दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत से कितनी अलग है पाकिस्तान में चुनाव की प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण पर है। पाकिस्तान में आबादी कम होने के चलते यह चुनाव प्रक्रिया भारत से थोड़ी अलग है। इस देश में चुनाव ईवीएम मशीन पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर होता है। पाकिस्तान के उच्च सदन को सीनेट तथा निचले सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान में केवल मुस्लिम व्यक्ति ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में राष्ट्रपति सदन का हिस्सा नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में दोनों सदनों में राष्ट्रपति शामिल होता है। भारत में सांसदों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहां सांसदों को मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान में सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अन्य वीडियो में।